हाय गाइस, सो टुडे वी विल लर्न अ टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी मैट्रिक्स। दिस इज़ द थर्ड चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी 12th का, तो हम आज यही टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड अरे ऑफ ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स एक प्रॉपर अरेंजमेंट में जमे हुए हैं। तो हमें इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसकी डेफिनेशन को, अगर हमें प्रॉपरली समझना है ये होता क्या। पीछे से स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स और फंक्शंस। तो बेसिकली एलिमेंट्स और फंक्शंस होते क्या हैं? एलिमेंट्स कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर एक एलिमेंट हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट एक एलिमेंट हो सकता है। सपोज करते हैं वन, ये भी एक मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट हो सकता है। ए, ये भी एक एलिमेंट हो सकता है। और फर्दर अगर हम अल्फा या बीटा भी यूज करते हैं तो ये भी एलिमेंट ही काउंट होंगे। लेकिन फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस हमने लोअर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस होते हैं कोई भी एक एक इक्वेशन, उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। जैसे 2x+3 ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे फंक्शंस। तो मैट्रिक्स क्या की? मैट्रिक्स कलेक्ट कर एक कलेक्शन है एलिमेंट्स का और फंक्शंस का। अब हमें समझ में आ गया कि ये एलिमेंट्स हैं, ये फंक्शंस हैं। थर्ड पार्ट हमारा कवर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक कोई भी बॉक्स जैसा कोई शेप होगा, जो एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, वो एक रेक्टेंगुलर अरे बन सकती है। लेकिन उस अरे में, उस रेक्टेंगुलर अरे में क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स या फिर फंक्शंस। तो अगर ये एक रेक्टेंगुलर अरे है तो इसमें मैं कोई भी एलिमेंट्स भरता हूं, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेक्टेंगुलर अरे, ये मेरी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो डेफिनेशन तीन पार्ट्स में डिवाइड की थी हमने, सबसे पहले एलिमेंट्स, फंक्शंस और फिर रेक्टेंगुलर अरे। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें, यानी कि ये एलिमेंट्स हम एक रेक्टेंगुलर अरे में अंदर भर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? मैट्रिक्स हो जाती है। ये तो फर्स्ट पार्ट कवर हुआ कि बेसिकली मैट्रिक्स होती क्या है। तो अब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन से पता लगा लिया कि मैट्रिक्स एक्चुअली में होती क्या है, लेकिन मैट्रिक्स के यूजेस क्या क्या हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। क्योंकि बेसिकली अब तक जो हम एलजेब्रा करते हुए आ रहे थे, वो एलजेब्रा एक बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम में आता है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हमें सबसे ज़्यादा यूजेस जो होते हैं वो होते हैं मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स बेसिकली आपको हर फील्ड में बहुत काम में आती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 12th के बाद अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इन सब में आपको बेसिकली मैट्रिक्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में ना जाके रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो मैट्रिक्स के, अगर आपको मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स नहीं पता, तो आप रिसर्च आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट पता है, तो सारे के सारे इक्वेशंस को, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम इजिली मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स एक्चुअल में किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है और वो किस किस टाइप की होती है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अगर हम मैट्रिक्स को जानना चाहते हैं, मैट्रिक्स पे कोई इक्वेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे हमने पहले डेफिनेशन से पता लगाया था कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे है एलिमेंट्स का, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या शो करता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स किस ऑर्डर में रखे गए हैं। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर सिंपल मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 to 6 नंबर्स हमने एलिमेंट्स के रूप में रख दिए। अब बात करें इसके ऑर्डर की, तो सबसे पहले ये और फिर ये रो और कॉलम में हम इसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो 3x2 की है, यानी कि इसमें तीन रोज हैं, सॉरी तीन कॉलम है और दो रो है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3x2 होगा। अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, ये जो एलिमेंट्स प्रॉपर पोजिक्स, इनकी जो पोजीशन है इन एलिमेंट्स की,
उसका भी एक नंबर होता है, प्रॉपर नंबर होता है मैट्रिक्स में। कि अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है उसकी मुझे पोजीशन पोजीशन वैल्यू चाहिए, तो उसकी पोजीशन वैल्यू होती है ए, जो कि इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे इसका हम। और फिर इस पोजीशन को सबसे पहले कॉलम को डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है आई, और फिर रो को डिनोट करता है जे। इस पोजीशन की बात करें तो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, यानी कि A1 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, इसकी पोजीशन होगी 1 1। सेकंड पे अगर हम जाते हैं तो A मैट्रिक्स का नाम, फिर सेकंड पोजीशन है, लेकिन जो रो है वो फर्स्ट वाला ही चल रहा है, 1, कॉलम सेकंड वाले पे आ गए, A12। अब इसी तरीके से थर्ड वाले पे, यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम, उसकी पोजीशन फर्स्ट रो में कौन सी पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, A13। सिमिलरली हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं, ये सेकंड रो आ गया यानी 2, फर्स्ट पोजीशन ऑफ पहले कॉलम में A21, ये A22 और ये A23। तो ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर और ये होता है एलिमेंट्स का ऑर्डर। एलिमेंट्स किस फॉर्म में मैट्रिक्स में रखे गए, उनका ऑर्डर। पहली चीज, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो पहली चीज यूज होगी वो होगी मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता तो हम उस मैट्रिक्स को सॉल्व भी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने, किस फॉर्मेशन में एलिमेंट फिल हुए, जिससे हमें पता लग सके कि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। देन अगर हमें कई सारी इक्वेशंस में पता लगाना हो कि कौन सी प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो हमें पता चलेगा किसे, एलिमेंट ऑर्डर से, कि एलिमेंट का ऑर्डर कौन सा है इस मैट्रिक्स में, इससे हम फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। मैट्रिक्स के ऑर्डर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको एक डेटा बनाना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, आपके इस क्लास में कुछ गर्ल्स और बॉयज होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उन स्टूडेंट्स के नाम सपोज कर लेते हैं, जैसे पहले स्टूडेंट का नाम है राम, देन सेकेंड का हो सकता है पुनीत, ठीक है, राघव, तीन स्टूडेंट्स का हमने नाम ले लिया। अब इनके पास हमें कलेक्शन ऑफ पेन एंड पेंसिल देखने हैं, तो पहले हम लिखेंगे पेन, नंबर ऑफ पेन कितने हैं इनके पास में, फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है, ठीक है। देखते हैं, जैसे राम के पास सपोज करते हैं, राम के पास है 3 पेन 2 पेंसिल, पुनीत के पास है 1 पेन 4 पेंसिल, और राघव के पास है 5 पेन 0 पेंसिल, यानी इसके पास कोई पेंसिल ही नहीं। तो ये फाइनली हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और इस डेटा से एक प्रॉपर मैट्रिक्स बना ली। अब इसी तरीके से कई बार क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास में ये डेटा नहीं होता कि किसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, इनकी बजाय वो हमें एक इक्वेशन दे देते हैं, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। जैसे उन्होंने इक्वेशन दी, सपोज करते हैं उन्हें एक इक्वेशन दी कि कोई भी स्टूडेंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हर स्टूडेंट के पास में जितनी पेंसिल है उसका रेशियो उनने उनके पास जो पेन है उससे निकाला। जैसे कि अगर पेंसिल्स को उनने डिनोट किया, पेन्स को डिनोट किया वाई से और पेंसिल्स को डिनोट किया जेड से, ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन बना के दी आपको, y इक्वल्स टू 2z, ये इक्वेशन आपको दे दी। इस बेसिस से आपको एक मैट्रिक्स बनानी है। अब स्टूडेंट नंबर उसी फॉर्मेट में दे दिया, जैसे राम पुनीत तो और राघव, इस एक और मान लेते हैं इसमें राम पुनीत राघव सुमित, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, इनका नंबर डिनोट कर दिया, राम को नंबर दिया उन्होंने, पेन का नंबर ऑफ पेन्स जो राम के पास है वो दे दिए 2, राघव पुनीत को दे दिए 1, राघव को दे दी 3 और सुमित को दे दिया 0। तो अब इस बेसिस पे उन्होंने कहा एक मैट्रिक्स बना के बताओ, ये हमारे पास डेटा है वाई का, इस इक्वेशन में जो अलजेब्रा हम फॉलो करते थे उसके बेसिस पे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले राम का देखते हैं, राम का जो है वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2,
जेड की वैल्यू हमें यहां से निकालना है, टू जेड। अगर जेड की वैल्यू निकालना है तो ये टू यहां पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन। ठीक है, तो पेन और पेंसिल हमने दो फॉर्मेट बना लिए। सबसे पहले पेन का लिखा, दो पेन क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में ही दिया होगा, और हमने पेंसिल कितनी निकाली है, राम की वन। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पुनीत, पुनीत के पास कितने पेन हैं, एक पेन है। अब इक्वेशन में हम इसे फिल करेंगे, वन टू जेड। ठीक है, अब जेड की वैल्यू यहां से निकालनी है तो वन बाय टू जेड, यानी कि हाफ पेंसिल, उसके पास जो पेंसिल होगी हाफ। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक पेंसिल का अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते तो हाफ हो जाता है, तो उसके पास पेन है वन और हाफ पेंसिल है। सिमिलरली हम निकालेंगे राघव का, राघव के पास तीन पेन्स हैं और पेंसिल कितनी है ये निकालना है। अगेन टू को डिवाइड करेंगे, थ्री बाय टू जेड, यानी कि वन एंड हाफ पेंसिल। अगर उसके पास तीन पेन है तो वन एंड हाफ पेंसिल होंगी, यानी थ्री बाय टू पेंसिल होंगी। ठीक है, सुमित, सुमित के पास कितनी पेन्स हैं, जीरो पेन्स हैं। अगर हम यहां से पेंसिल्स का निकालना भी चाहें तो टू को जीरो से डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली जीरो आएगी, यानी जिसके पास पेन नहीं उसके पास पेंसिल भी नहीं। सुमित के पास ना तो कोई पेन है ना कोई पेंसिल है। ये हमारी एक मैट्रिक्स तैयार हो गई, किसके बेसिस पे, एक फंक्शन जो उन्होंने हमें दिया था, उस फंक्शन के बेसिस पे हमने अपनी डेटा को कलेक्ट किया और उस डेटा से एक मैट्रिक्स बना ली। अब डिपेंड करता है कि ये डेटा किस फॉर्मेट में भरा जा रहा है। तो बेसिकली अगर हमसे उन्होंने बोला नहीं कि आपको पेन कहाँ लेना है पेंसिल कहाँ लेना है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में इस डेटा को भर सकते हैं। जैसे यहां पे देखें तो पेन और पेंसिल हमने कॉलम में लिखे थे, लेकिन अगर आप यहां चाहें तो पेन हम रो में भी लिख सकते हैं, और जो उनके नाम है वो हम कॉलम में लिख सकते हैं। सिमिलरली पेन कितने थे, राम के पास में दो पेन एक पेंसिल, पुनीत के पास में एक पेन वन एंड हाफ पेंसिल, देन उसके बाद में राघव, इसके पास में थ्री पेन्स थे, थ्री बाय टू पेंसिल, सुमित लास्ट में, इसके पास जीरो पेन्स और जीरो पेंसिल। तो ये भी जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है, ये मैट्रिक्स भी सही है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं था कि हमें किस ऑर्डर में हमारे डेटा को फिल करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, या तो उसमें बताएंगे कि आपको ऑर्डर कौन सा चूज करना है, जो आप नाम लिख रहे हैं वो किस साइड होगा, या जो डेटा आप पेन या पेंसिल का फिल कर रहे हैं वो किस साइड होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो आप कोई भी एक ऑर्डर चूज कर सकते हैं, या तो आप थ्री बाय टू चूज कर सकते हैं या टू बाय थ्री चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, सिर्फ एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है।